जीआरपी थाना क्षेत्र अंतर्गत 27 वर्षीय महिला के साथ दुष्कर्म का मामला। मेडिकल परीक्षण के इंतजार में रात भर बैठी रही पीड़ित महिला व महिला आरक्षक। करीब 6 घंटे बाद हुआ मेडिकल परीक्षण। जीआरपी थाना क्षेत्र अंतर्गत 27 वर्षीय महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला मुहासा से बाहर करने बिना आई थी, तभी जीआरपी थाना क्षेत्र में महिला के एक पहचान के व्यक्ति ने छोड़ने के बहाने से ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे दिया, जिसकी शिकायत महिला ने जीआरपी थाने में दर्ज कराई। लेकिन पीड़ित महिला को मेडिकल परीक्षण कराने में रात भर सिविल अस्पताल में बैठना पड़ा। जानकारी अनुसार पीड़ित महिला का मेडिकल परीक्षण कराने के लिए देर रात महिला आरक्षक सिविल अस्पताल पहुंची थी, जहां पर महिला डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं मिली। महिला आरक्षक ने बताया कि मेडिकल परीक्षण कराने रात में डॉक्टर से फोन पर संपर्क किया गया था, लेकिन डॉक्टर ने रात में आने से मना कर दिया, जिसके बाद महिला आरक्षक के द्वारा डीएमओ को कॉल किए गए, लेकिन अटेंड नहीं हुए। इस दौरान पीड़ित महिला एवं महिला आरक्षक रात भर परेशान होती रही और करीब 6 घंटे बाद आज सुबह महिला डॉक्टर पहुंची और मेडिकल परीक्षण किया। आपको बता दें कि अव्यवस्थाओं को लेकर बीना का सिविल अस्पताल चर्चाओं में बना रहता है। पूर्व में भी रात में इलाज नहीं मिलने की शिकायतें जनप्रतिनिधियों एवं आम लोगों के द्वारा की जा चुकी है। वही मामले में बीएमओ डॉक्टर अरविंद गौर का कहना है कि स्लाइड बनाने के लिए रात में सफाई कर्मचारी नहीं थे। उनके आने के बाद सुबह 5 बजे डॉक्टर प्रगति ने मेडिकल परीक्षण किया है, जबकि मेडिकल रिपोर्ट में सुबह 7 से 8 के बीच मेडिकल परीक्षण का समय दर्ज है। बहरहाल सच्चाई जो भी हो, लेकिन पीड़ित महिला एवं महिला आरक्षक रात भर डॉक्टर के इंतजार में बैठी रही। बीना का सिविल अस्पताल एक बार फिर चर्चाओं में है, क्योंकि यहां के डॉक्टर मनमानी से बाज नहीं आ रहे। आपको बता दें कि जीआरपी थाना क्षेत्र में एक 27 वर्षीय महिला के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी, जिसको लेकर रात में महिला आरक्षक पीड़ित महिला के लिए एमएलसी के लिए लेके आई थी, लेकिन उसके लिए उन्हें 6 घंटे सिविल अस्पताल में बैठना पड़ा और डॉक्टर का इंतजार करना पड़ा। महिला आरक्षक ने बताया कि फोन लगाने के बाद भी डॉक्टर ने रात में आने से मना कर दिया और करीब 6 घंटे बाद सिविल अस्पताल पहुंची, जिसके बाद महिला का मेडिकल परीक्षण कराया गया। आप देख सकते हैं कि सिविल अस्पताल में आए दिन ये चर्चाएं होती रहती हैं और ये शिकायतें होती रहती हैं कि यहाँ पर डॉक्टर समय पर इलाज नहीं कर रहे। अब देखना ये होगा मामले में वरिष्ठ अधिकारी कब इसको संज्ञान में लेते हैं और कब ऐसे डॉक्टरों पर कार्रवाई की जाती है। बीना से राम कुमार के साथ अशफाक अंसारी की रिपोर्ट।